क्योंकि संकल्प शक्ति इतनी मजबूत होती है। तो जब आप संकल्प शक्ति के साथ सब कुछ करोगे और इस ध्यान की जो घड़ी है अंतर में उतर करके अंदर में जा करके जिस प्रकार से फोन के अंदर सेटिंग होती है उसी प्रकार से मानव मस्तिष्क के अंदर सेटिंग होती है, उसको चेंज करने के लिए भी आपको संकल्प की आवश्यकता होती है। और जो संकल्प रूपी बटन है वो काम करते हैं, जो ध्यान रूपी जो उसका सिस्टम होता है उसके ऊपर उसको चेंज किया जाता है। जब आप ध्यान में जाओगे संकल्प करो कि मुझे समय का ध्यान नहीं करना है, चाहे एक मिनट समय बैठूं, चाहे चार घंटे ध्यान के ऊपर बैठूं, लेकिन मैं मन की नहीं सुनूंगा। अगर मन की मुझे सुनाई दी तो मैं मन की इच्छाओं का पालन नहीं करूंगा और मन की मर्जी नहीं चलने दूंगा, मन की मर्जी से ऊपर उठ करके तब ये कार्य करूंगा। आपको कौन रोकेगा? चाहे आप 6 घंटे बैठे रहें, अगर आपका संकल्प इतना मजबूत हुआ, अगर आपका संकल्प कमज़ोर हुआ तो फिर आप कमज़ोर हो जाएंगे, अगर आपका संकल्प और मजबूत हुआ तो आप मजबूत हो जाएंगे। तो आपको ध्यान के साथ, नाम के साथ, सुमरण के साथ उस परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहिए। जो जिस रास्ते से गुजरता जाएगा परमात्मा उसको उठाते चले जाएंगे। बिल्कुल जब वो हाथ पकड़ते हैं वो कृपा निधान है, वो दया निधान है और वो दया के सागर हैं, रूह की कृपा का कोई अंत नहीं है। वो कैसा भी जीव हो, कितना भी पापी जीव क्यों न हो, कितना भी किसी भी प्रकार का, कितने ही जन्मों से कुछ भी कैसे भी कर्म किए हों, अगर उसके समर्पण हो गया तो वो जीव उसी का हो जाता है। और जब जीव उसका हो जाता है तो कृपा का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उसके ऊपर कितनी कृपा की वृष्टि करता है। पापी से पापी जीव, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीव, सब उसकी नज़र में सम्मान होते हैं। जो भजन करता है उसको वो उठा देता है और जो भजन नहीं करता, पुण्य करता है, उसको अपने कर्मों का फल प्राप्त होता रहता है। पुण्यों का कर्म सुख होता है, पाप का कर्म दुख होता है। सुख दुख के चक्कर के अंदर, इस घेरे के अंदर ये जीव घूमता रहता है, न उसे यहाँ सुख मिलता है ना वहाँ जा कर के शांति प्राप्त होती है, और वो इस सुख और शांति के झगड़े के अंदर, द्वंद के अंदर अपने आप को घुमाता रहता है, आता जाता रहता है। तो इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति के लिए आपको कभी न कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आने वाला समय है वो परमात्मा आप लोगों के ऊपर, उसने कुछ कृपा की होगी, कुछ सुनने को मिल रहा है, कुछ जानने को मिल रहा है। क्योंकि इस संसार के अंदर संतों का के पास जाना ही बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो इस संसार के अंदर मिथ्या नहीं है संत। अभी भी मैंने जिक्र किया, एक महात्मा बड़ी तपस्या में लीन है, बहुत ओंकारेश्वर के पास वो स्थान है, सुखदेव उनका नाम है, बहुत ऊंची स्थिति के वो महापुरुष हैं। कभी उस तरफ जाओ तो खोज लेना, क्योंकि मैं शरीर के साथ वहाँ नहीं गया हूँ, लेकिन वो बैठे हुए हैं बिना वस्त्र के, बस बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं। ये भी नहीं इस आसन के अंदर बैठे हुए हैं, इस आसन के अंदर वो बैठे हुए नहीं मिलेंगे आपको। जिस प्रकार से साधारण लोग बैठते हैं दोनों पैरों को ऊपर करके और गर्दन को झुका करके, शरीर को बिना वस्त्रों के, चाहे सर्दी हो, अगर बहुत वर्ष हो गए उन्हें तपस्या करते हुए, सिद्ध बहुत नज़दीक है, सिद्धियाँ आ चुकी हैं और प्राप्ति भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। साधना देखो किस प्रकार से करते हैं, कैसे भजन करते हैं संत लोग, जो आपको वैसे ही प्राप्त हो रहा है, जो आपको बिना मेहनत के ही प्राप्त हो रहा है,
जो आपको धीरे धीरे इतना मिल रहा है कि आप सोच भी नहीं पा रहे हो। क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि किसी संत के पास चले जाएं, उससे भी बड़ी बात होती है कोई समर्थ संत मिल जाए और उसका सानिध्य मिल जाए कि हम बुरे कर्मों से बच जाएं, संसार के झगड़े झंझट से धीरे धीरे दूर हो जाएं, उस परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होने लगे, उसकी मेहर बरसने लगे, वहाँ तक हम पहुँच जाएं जहाँ हमारी मंजिल है। तो लोगों को देखो, संत महात्माओं को देखो, साधकों को देखो, तपस्या किस प्रकार से की जाती है, साधना किस प्रकार से की जाती है, जीवन कैसे सदुपयोगी हो सकता है, कितनी कठिन परीक्षाएं होती हैं जंगलों के अंदर, किस प्रकार से कौन कितनी चढ़ाई करता है, आपको जो सुनने को मिल रहा है और जानने को मिल रहा है, बहुत वर्षों की तपस्या के बाद, बहुत खोज के बाद ये इस प्रकार के अनुभव होंगे, तब आप उठोगे। तो आप जितना भी कोशिश कर सकते हो, जितना ध्यान कर सकते हो, जितना नाम सुमरण कर सकते हो, उतना कीजिए और कहीं ना कहीं से शुरुआत कीजिए। रही बात इन वस्तुओं की, ये आपको पता ही है कि जो बोल दिया वो, क्योंकि मैं वो बोलता नहीं जो नहीं होता, हम वो बोलते हैं जो ऊपर वाला आदेश करता है और वो वही निश्चित करता है, उनको कोई रोक नहीं सकता। तो आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, उस परमात्मा के मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए। हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो आपको मालूम है पूर्णिमा को ही होता है, तो आप जितना भी समझने का, सुनने का, खोजने का प्रयास करोगे, उतने ही आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। आप सबके अंदर विराजमान मेरे इष्ट, मेरे गुरु को मेरा बार बार प्रणाम।